तो गाइज काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर हमारे घर पे आए, थैंक यू सो मच सर। तो आज का ब्लॉग कौन स्टार्ट करेगा? मैं करूँगा। करो फिर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सौर दादा मेरे लिए पिचकारी लाएगा। पिचकारी लाऊंगा? हाँ। अभी होली आएगी तब लाऊंगा, अभी होली आने में टाइम है। ठीक है, फिर अभी ही चाहिए मेरे को। तो गाइज आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हमारे घर पे आने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर मिस्टर आशीष विद्यार्थी। तो हाँ, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड, मतलब हमारे घर पे आ रहे हैं हम, मतलब नॉर्मल से बंदे हैं और हमारे घर पे कोई बॉलीवुड एक्टर, वो भी इतने रिस्पेक्टेड, इतने बड़े आ रहे हैं। तो मतलब मैं कैसा फील करूँगा गाइज, आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज हमसे इतने बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं। अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, मतलब एक्साइटमेंट में सुबह सुबह जल्दी से नहा के रेडी हो गया कि वो आने वाले हैं, आने वाले हैं। और अभी 10:30 हो गया, तो कह रहे थे कि हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम तो सुबह से नहा धो के रेडी हैं और अभी खाना भी नहीं खाया, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। और हमने उनके लिए बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ें बनवाई, मम्मी से पहाड़ी खाना बनवाया है, तो वो आपको दिखाता हूँ। डर भी लग रहा है, हल्का हल्का काँप भी रहा हूँ मैं। मारेंगे थोड़ी, डर लग रहा है जो। तो मैंने मम्मी जी को बोला था कि मस्त पहाड़ी खाना बना देना स्पेशल उनके लिए। तो क्या क्या बनाया वो दिखाते हैं, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास है आलू के गुटके और ये है भटकी दाल, और इसमें हमारे खेत वाले पहाड़ी चावल जो कि बन चुके हैं, चावल दाल आलू गुटके और भी बनाया मम्मी ने, और क्या बनाया, और ये है खीरे का रायता और ये है यहाँ की फेमस चटनी। तो इतना कुछ खाना बनाया मम्मी ने, लेकिन जो भी बनाया ना सारा ऑर्गेनिक है और सारा हमारे पहाड़ वाला है। तभी सभी के सभी खा रहे हैं यहाँ पे मस्त खाना, खाना खाते हैं और फिर 10-15 मिनट में वो भी आने वाले हैं, उनका मैसेज आ गया था मेरे पास। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं सोसाइटी के बाहर, अभी वो आ रहे हैं अंदर हमारे घर में और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज तेज हो रही है, मुझे डर लग रहा है। क्या पता गार्ड अंकल आने ना दे रहे हो, चलो चलते हैं। आओ गार्ड अंकल को बोल के आते हैं ना कि उनकी गाड़ी को आने देना अंदर, तो आप ना उनके पैर छूना, ठीक है, उनको पैर छू के उनको प्रणाम करना। फाइनली गाड़ी आ चुकी है। तो मैं तो फिल्मी दुनिया का हूँ सर, बहुत लोग मुझे देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पिछले एक साल से जब से लॉकडाउन हुआ, बाय चांस आई केम क्रॉस योर ब्लॉग्स, तो आप जब दिल्ली में थे, हाँ जी, हाँ जी, तब से मैं आपकी जर्नी को फॉलो कर रहा हूँ। तो आज मुझे आपको देखकर कुछ कुछ वैसा फील होता है जैसा जब कोई फिल्म एक्टर को देखता है काफ़ी सालों तक, फिर उनसे मिलता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर मैं तो मतलब मेरे को तो इतना डर सा लग रहा है ना, मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो फाइनली गाइस सर आ चुके हैं हमारी सोसाइटी में। ये पीयूष है, इसको जानते हो क्या? मैं सबको जानता हूँ, मैं ओरियो को भी जानता हूँ, मैं ओरियो से थोड़ा डर जरूर रहा हूँ। मैं एक में मीठा है, एक में नमकीन है, ये खाजा है बहुत खास। So you do all these kitchens? हाँ जी, हाँ जी। This was his primary channel. क्या बात? वो मौसी है। अच्छा, वो मेरी पीयूष की मौसी। एक तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को लिए एक बहुत खास चीज, 4 दिन पहले बौद्ध गया में था, तो वहाँ पर एक जो मेन बौद्ध जो ट्री है उसके अंदर से जो पत्ता गिरता है वो बहुत खास माना जाता है। उसके नीचे बुद्धा बैठ के सिद्धार्थ से बुद्धा बने, तो वो जो पत्ता गिरता है लोग उसका इंतज़ार करते हैं बैठने का। अच्छा, इसकी खासियत है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता। एक मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, एक आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। आई टेल यू थिंग्स यू वोंट बिलीव। तो गाइस सर हमारे लिए खाजा लेके आए हैं, और एक मीठा है और एक नमकीन है, तो ट्राई करते हैं कैसा हो रहा है। हमने तो कभी खाया नहीं, फर्स्ट टाइम ही खा रहे हैं। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मैं सौरभ को बता रहा था कि किस तरीके से आप लोगों ने एक साथ रहने की बहुत सारी अच्छी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि हमारी दुनिया में ना वैसे ये बुरा है, ये बुरा है, सबको लेकर सब लोग काम करते हैं। देख सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। सीट नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। तो गाइज काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर हमारे घर पे आए, थैंक यू सो मच सर। और मैं आपके ब्लॉग से फॉलो करता हूँ, जो आप खाना दिखाते हो, जो आप ट्रैवल करते हो नई नई जगहों पर, और जिस तरह से आप उसको नरेट करते हो ना, बहुत मज़ा आता है देखने में। और मैंने सर के लिए मम्मी से स्पेशल पहाड़ी खाना भी बनवाया, तो सर को टेस्ट कराएंगे। ज़रूर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत सारे लोग, और ये दुनिया में भी ऐसा है ना कि थोड़ी बुराई करो, गाली गलौज करो, थोड़ा व्यूअरशिप आ जाती है, बट आई लव द फैक्ट कि सौरभ जैसे वो हैं अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और वो कहते हैं ना कि अगर आप ठीक ठाक बात करो तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने किसी को क्या कहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आई सी दैट, आई एक्सपीरियंस दैट इन योर व्लॉग्स। तो इसलिए जस्ट टू लेट यू नो, मैंने सौरभ को कहा कि सौरभ क्या मैं मिल सकता हूँ, कुछ महीनों पहले बात हुई,
और अभी ऐसे ही ये ट्रिप बना तो मैंने जब बोला तो हम लोग मिलने आ गए। सो वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी टू सर। मैं भी तो सर ने काफ़ी कुछ बताया मेरे ब्लॉग्स के बारे में, क्या अच्छा लगता है, फैमिली के बारे में, तो मतलब बहुत बहुत मस्त वाली फीलिंग आ रही है। और तो क्या ही बोलूँ, मुझे बोला ही नहीं जा रहा। खाजा खाजा मीठा वाला वो है, ये मीठा वाला। तुम करते कैसे, तुम कैसे? ये माइक है, ऐसे बैठा। हाँ। यहाँ से बोला। ये तो दिस कैमरा इज नाउ ऑन हिम। यस, ये बोला ओबीएस, ये आ गया हमारा, यहाँ से रिकॉर्ड होता है। ओके। एंड यहाँ पर चलते गेम, यहाँ पर खेलता हूँ। हाँ। और ऑडियो तो भी सर आए हैं पीयूष का गेमिंग पीसी देखने के लिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं है गेमिंग की, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ तो मुझे भी नहीं है। चलो स्टूडियो दिखा दिया, गेम दिखा दिया, अब चलते हैं बाहर और खाना खिलाते हैं उनको मस्त। तो अभी गाइस सभी अभी बैठ चुके हैं खाने के लिए, खाना परोसते हैं इनको। सच में डार्लिंग है नहीं। ये बट की चुकानी, ये चावल है हमारे, ये गुटके हैं। कैसा लगा बताओ? गजब गजब, ठीक है गजब, मतलब जोन में है जिसको कहते हैं। और ये भी अच्छे से बैठ गए, थैंक यू। तो अभी गाइस हम बैठे थे मेरे रूम में अकेले में, थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे। सर ने बहुत कुछ बताया लाइफ के बारे में और आगे बढ़ने के बारे में, तो काफी इंस्पायर हो गया हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे अपनी यूनिकनेस लाते हैं अपनी कहानी में, तो उसी तरीके से सब लोग इंस्पायर हो जो भी करते हैं, जरूरी नहीं कि व्लॉगिंग ही करते हैं। हाँ, हो सकता है जिंदगी कुछ भी करते हैं, हो सकता है शायद कोई पेंटर हो, शायद शेफ हो, शायद इंजीनियर कोई हो, हर किसी की यूनिकनेस होती है। और हमको उसी को सेलिब्रेट करना, अपने यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना। बेसिकली जो अच्छी चीजें हैं वो सीख लेनी है और नेगेटिव को इग्नोर करना ज्यादा है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। यस। हाँ, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। क्या लेना है, क्या लेना है तुमको? हाँ, क्या लेना है? तो चलिए अब कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं साथ में। Above the skies overseas, I hear them all those places calling me. और उधर उधर देखो, और उधर देखो खींच रही है, और उधर बिल्ली आ गई उधर। लो बाबा जी। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम आपको। प्रणाम। तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया सर के साथ में, अभी सर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सर। ओके, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच, बाय, थैंक यू, लव यू। मजा आ गया, ताली बजाया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। तो मम्मी जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। चाची कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो सबको अच्छा लगा। तो अभी गाइस चाय पीते हैं, चाय नहीं पी, और साथ में काजा जो कि सर लेके आए थे। कुनाल अब कार्ड ले गए? कहाँ काटेगा? तो गाइस अभी हम रील बनाने पार्क जा रहे हैं। हमको बनानी है भाइयों वाले गाने पे एक रील। बिना साइकिल के तो निकलना ही नहीं है ना, पैदल तो निकलना ही नहीं कभी। तो अभी गाइस हमारी रील कम्प्लीट होने वाली है, क्या मस्त शूट हो रही है। बस लास्ट शॉट है, लास्ट शॉट है, बस लास्ट शॉट, लास्ट भाई, ओ मेरे भाई, जिंदगी मेरी तुझ में समाई। गाइस बहुत प्यारी रील शूट हुई है, वो आप देखना। दो मिनट में उतर जा रही है, अभी मैंने चलाई अभी उतर गई। पीयूष की साइकिल की चेन में दिक्कत आ रही है, कोई नहीं करवा देंगे, आज तो हमको जाना है, कल करवा देंगे। कहाँ जाना है? आज एक्चुअली पूजा दी की बेटी वैष्णवी का बर्थडे है, वहाँ जाना है आज हमको। पीयूष अपनी चेन खुद ही चढ़ाने में लगा हुआ, अपने हाथ हाथ क्यों खराब कर रहे हैं अपने? क्या करो फिर, घर तक तो ले जानी पड़ेगी। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ले हो गया। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं पूजा दी घर पे, उनके घर पे कीर्तन वीर्तन है, वैष्णवी का बर्थडे भी है ना। मम्मी जी प्लीज आगे आ जाओ आज। पूजा दी घर तो हम जाते ही रहते हैं, मजा आता है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। हल्द्वानी मस्त है यार, देखो खुले खुले खेत है, मस्त पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फॉर्च्यूनर मैंने वहाँ पार्क कर दिया, पीछे पूजा दी घर है, यहाँ पे खेत ही खेत, मस्त एकदम खुला खुला लगता है। तो गाइस देखो ये साइज दादा कैसा कर रहा है। वो पागल है सर दादा, आप बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करूंगा। नमस्कार नमस्कार, कमाल है बेटा। ओ कहो। तो अभी गाइस हम पढ़ेंगे सुंदरकांड। इट वाज नॉट इजी फ्रॉम द स्टार्ट। तो भी गाइस सुंदरकांड और भजन कीर्तन और नाच गाना सब कुछ हो चुका है, अब फिलहाल केक कटिंग समारोह होगा और सभी के सभी आ चुके हैं, पूरी फैमिली हमारी यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। चलो शुरू करो। हल्ला चालू।
just keep following your heart. चलो गाइस केक कट हो चुका है, अब केक खाएंगे मस्त। तो अभी गाइस डिनर भी हो चुका है, अब चलते हैं सीद्धा घर। मुझे तो घर जाके एडिटिंग करनी है, दो ब्लॉग एडिट करने हैं मुझे तो। तो अभी गाइस सभी जा रहे हैं विदा कर रहे हैं एक दूसरे को। बहुत मजा आया आज साथ में टाइम स्पेंड किया पूरी फैमिली ने बहुत टाइम के बाद। मजा आ गया आज तो ना भाई, फुल मजा आ गया, तो भी गाइस रात के 1:30 बज गए। अब जाके एडिटिंग कंप्लीट हुई है, आते में बैठ गया था, वैसे आने में भी लेट हो गए थे, 10:30 बज गए थे हमको, तो फाइनली कंप्लीट हो गया। मुझे भूख भी लगी दोबारा से, तो मम्मी ने कुछ बनाया भी नहीं है क्योंकि पूजा दी घर पे खा के आए थे, तो देखते हैं ओट्स वोट्स बनाए खा लूँगा मैं। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा मिस्टर आशीष विद्यार्थी सर आए थे और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और फिर पार्टी में गए थे हम, तो फैमिली के साथ में भी काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी मस्त पॉजिटिव वाली वाइब्स आ रही हैं, तो मस्त नींद आएगी। अब काम भी हो गया ना, तो हाँ आई होप आपने एंजॉय किया, एंजॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। I believe it's true. Please सारे शांत हो जाओ, हमको कुछ बोलना है अपने ब्लॉग में। चार औरतें बैठी चुगली ना हो तो सारे प्लीज शांत हो जाओ, हमको कुछ बोलना है। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज सारे शांत हो जाइए। केक कटिंग सामग्री वाह ज्यादा ही डूब गया मैं, प्रक्रिया चुप रहा मैं बोलता हूँ, एक मिनट चुप रहो, समारोह केक कटिंग समारोह।